दोस्तों, अगर आप भी YouTube से पैसे कमाना चाहते हो, अगर आपको पता नहीं यार कि YouTube किस तरीके से पैसा देता है, YouTube किस चीज़ का पैसा देता है, किस तरीके से यार YouTube का जो पैसा है वो हमारे बैंक खाते तक आता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कितना टाइम लगता है, हमें क्या क्या करना पड़ता है, सारा स्टेप आपको बताने वाला हूँ, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। अगर आप फ्यूचर में दोस्तों कभी भी अगर आप चाहते हो कि YouTube से पैसा कमाओ तो यार इस वीडियो को जरूर से देखना। अब बात करें दोस्तों कि यहाँ पर YouTube हमें किस चीज़ का पैसा देता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप YouTube पर जब भी कोई वीडियो देखने जाते हो, जैसे ही उस वीडियो को आप ओपन करते हो तो देखते होगे कि आपके सामने कोई ऐड चलता होगा, कोई ना कोई एक ऐड जरूर चल जाता, कोई प्रचार चलता होगा। उस ऐड का दोस्तों पैसा मिलता है उस क्रिएटर को जिसने वो वीडियो बनाया। जैसे एग्जांपल के तौर पर दोस्तों, अगर आपने मेरा ये जो वीडियो है, इसी वीडियो को अगर आपने ओपन किया होगा तो हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐड आया होगा। ठीक है, कभी ऐड आता है, कभी ऐड नहीं आता है। अगर ऐड आया होगा तो उस ऐड का दोस्तों मुझे पैसा मिलेगा। आप ये भी सोच सकते हो यार कितने ऐड्स का कितना पैसा मिलेगा, इस पर ही वीडियो बना रखा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बता भी दूंगा कितना पैसा मिलता है सब कुछ। ठीक है, तो उस ऐड्स का पैसा मिलता है। अगर आपको ये लगता है कि अगर वीडियो को लाइक कर देंगे तो उसको पैसा मिलेगा, तो भाई उसको पैसा नहीं मिलता। अगर हमारे वीडियो को लाइक करोगे उससे हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, सब्सक्राइब करोगे उससे हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, अगर शेयर भी कर दोगे किसी को तो हमें कोई पैसा नहीं मिलता है। पैसा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ऐड्स का मिलता है यूट्यूब पर, और किसी चीज़ का पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं यार कि आप वीडियो को लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो, कर देना। इससे फायदा ये होता है यार कि वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ता है, तो यार हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, इससे पैसे नहीं मिलते, पैसे सिर्फ और सिर्फ एड्स के द्वारा मिलते हैं। अगर आप भी दोस्तों यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आपको यूट्यूब पर एक चैनल बनाना पड़ता है। ठीक है, आप भी यहाँ पर यूट्यूब पर एक चैनल बना लीजिएगा। चैनल बनाना नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा चैनल कैसे बनाते हैं। ठीक है, चैनल आपने बना लिया। ठीक है, चैनल बनाने के बाद दोस्तों आपको अपने चैनल पर कुछ वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं। आप जिस भी कैटेगरी के वीडियो अपलोड करना चाहते हो, जो भी आपको आता होगा, आप वो वीडियो अपलोड करिएगा। अपलोड करने के बाद दोस्तों धीरे धीरे आपके वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपकी वीडियो पर जब व्यूज आएंगे तो लोग आपकी वीडियो को देख के आपको सब्सक्राइब भी करेंगे। सब्सक्राइब का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे इंस्टाग्राम पर लोग हमें फॉलो करते हैं ना, जैसे फेसबुक पर फॉलो करते हैं, उसी तरीके दोस्तों ये फॉलोअर होते हैं जिसे हम यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि अगर मान लो 2 महीने, 4 महीने या 5-6 महीने बाद दोस्तों अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तब दोस्तों आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लोगे। ठीक है, मोनेटाइज करवाते हो। मोनेटाइज क्या होता है ये भी समझाऊंगा, पहले हम बात करते हैं कि वॉच टाइम क्या होता है। सब्सक्राइबर तो आपको बता दिया क्या होता है, 1000 लोगों ने आपको सब्सक्राइब कर लिया, मतलब 1000 लोगों ने आपको फॉलो कर लिया। ठीक है, आपको सब्सक्राइब कर लिया, एक क्राइटेरिया तो ये पूरा हो गया। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि 4000 घंटे भी पूरा करने होते हैं। अब ये 4000 घंटे क्या होते हैं, ये वॉच टाइम क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर आपने एक 6 मिनट की वीडियो बनाई है जिसकी लेंथ है 6 मिनट, ठीक है, 10 लोग आपकी उस वीडियो को देखते हैं, मतलब 10 व्यूज आपको मिलता है और आपकी वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों वो 10 लोग आपको 60 मिनट देकर गए, मतलब 60 मिनट मिला है। एक बंदा आपकी वीडियो को देख रहा है तो 6 मिनट दे रहा है, 10 लोग देखे तो आपको यहाँ पे 60 मिनट मिल गया। अगर आप इस घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर 1 घंटा मिल गया उन 10 लोगों की वजह से। ठीक है, इसी तरीके दोस्तों आपको यहाँ पर 4000 घंटे इकट्ठे करने होते हैं लास्ट 12 मंथ के अंदर। तकरीबन मान लो कि आपको 1 साल के अंदर सब कंप्लीट करने होते हैं। 1 साल में नहीं भी हुआ दोस्तों कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा अगर कंप्लीट नहीं होता तो सब कुछ बना रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे अगर कंप्लीट हो जाते हैं आपके चैनल पर, तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हो। मोनेटाइज क्या होता है दोस्तों, YouTube पार्टनर प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। मतलब YouTube खुद ये कहता है कि अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो लास्ट 12 मंथ के अंदर, तो आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। अब मोनेटाइज कैसे होता है दोस्तों, मान लो कि अगर आपका चैनल भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, उसके बाद दोस्तों आपको जाना पड़ता है मोनेटाइजेशन पेज पर, वहां जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों YouTube की जो टीम है, YouTube के जो एक्सपर्ट है, वो आपके चैनल को रिव्यू करेगी, अच्छे से आपके चैनल को देखती है कि आप किस तरह के वीडियो अपलोड करते हो, आपका जो कॉन्टेंट आप अपलोड कर रहे हो वो आपका ओरिजिनल है या फिर किसी दूसरे का वीडियो अपलोड करते हो। ये सारा चीज़ अच्छे से चेक करेगी कि अगर आप सारा जो यूट्यूब की पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपका खुद का कॉन्टेंट है, अगर अपना वॉइस दे रहे हो, अगर ये सारा चीज़ है दोस्तों, तो कुछ दिनों के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे मोनेटाइज हो जाता है, मोनेटाइज हो जाने के बाद से अब आपके वीडियो पर जितने भी एड्स आते हैं उस एड्स का दोस्तों अब आपको पैसा मिलेगा। पहले क्या हो रहा था, आप जो भी वीडियो बना रहे थे आपके वीडियो पर एड्स आ रहा था उसका आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा था, सारा पैसा यूट्यूब रख रहा था। ठीक है, बट अब आपके वीडियो पर जो भी एड्स आएगा उसका पैसा दोस्तों आपको मिलेगा, 55% आपको मिलेगा और 45% अब यूट्यूब रखेगा, मतलब अब यूट्यूब आपको उस एड्स का पैसा देगा। ठीक है, तो अच्छी बात यार, इसी तरीके से हम लोग भी अर्निंग करते, इसी तरीके से आप भी अर्निंग करोगे। ठीक है, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब बात करें दोस्तों कि यार जो भी अर्निंग होगी ये हमें मिलेगी कैसे, ये पैसे कहां रहेंगे, कहां से हम देखेंगे इसको, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप जितना भी रुपये की आप अर्निंग करोगे ये सारी अर्निंग दोस्तों आपकी कलेक्ट होगी गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर। यार गूगल एडसेंस क्या होता है बहुत से लोग नहीं समझते होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि ये एक बैंक है। ठीक है,
इसके अंदर दोस्तों आपका सारा पैसा इकट्ठा होता रहेगा। जैसे हम लोग जैसे ये बैंक जानते हैं ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब बैंक, यूनियन बैंक, ऐसे बैंक होता है ना, ठीक है वैसे ही दोस्तों ये एक ऑनलाइन बैंक है, गूगल एडसेंस, ठीक है। इसके अंदर सारा पैसा आपका इकट्ठा होता रहेगा। अब यहां से पैसे आपके बैंक खाते में कैसे आएंगे ये प्रोसेस अभी आगे बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एक एप्लीकेशन होता है YT स्टूडियो। इस एप्लीकेशन से दोस्तों आप पता कर सकते हो कि डेली आपके चैनल पर कितनी अर्निंग हो रही है, डेली आपको कितने कितने डॉलर मिल रहे हैं, ये सारा चीज आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। अब मान लो दोस्तों कि आपकी जो भी अर्निंग होती है एक महीने के अंदर आपकी जितनी भी कमाई होती है, ये सारा कमाई दोस्तों आपका ट्रांसफर हो जाता है अपने आप कहां पर, गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर जो कि आपके चैनल से जुड़ा हुआ है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे यार कि हमने गूगल एडसेंस अकाउंट तो बनाया ही नहीं, तो दोस्तों आपने गूगल एडसेंस अकाउंट बना लिया था स्टार्टिंग में ही, जब आप चैनल को मोनेटाइज करवाने जा रहे थे ना, वहां पर स्टेप टू के अंदर ये ऑप्शन आता है गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने का। जब वहां पर क्रिएट कर लोगे तभी दोस्तों आप चैनल को मोनेटाइजेशन में अप्लाई करते हो, ठीक है। ये सारा प्रोसेस दोस्तों आपको दिखने को मिल जाएगा, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। अब जैसे ही दोस्तों आपके गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर $7 या फिर तकरीबन $7 के आसपास, तकरीबन $10 के आसपास हो जाते हैं वहां पर, तब आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का। आपको वहां पर वेरीफाई करना पड़ेगा आपका अपना आइडेंटिटी, वहां पर वेरीफाई करना पड़ता है। अब किस चीज से वेरीफाई करोगे, ध्यान से देखो, यहां पर आपको चार ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा इंडिया पासपोर्ट, पैन कार्ड से भी कर सकते हो, वोटर आईडी से भी कर सकते हो, और ड्राइवर लाइसेंस से भी कर सकते हो, ठीक है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है उससे भी कर सकते हो। लेकिन आपको बता दें कि आधार कार्ड यहाँ पर वैलिड नहीं होता है, आधार कार्ड का आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपका पैन कार्ड होगा तो आप पैन कार्ड यूज कर लेना, ठीक है। पैन कार्ड यूज कर लोगे दोस्तों यहाँ पर आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एड्रेस वेरिफिकेशन का, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन कहते हैं। आपके एड्रेस पर गूगल जो होता है ना, एडसेंस जो है, आपके एड्रेस पर एक 6 डिजिट का पिन भेजेगा, ठीक है। 6 डिजिट का जो पिन जाएगा उसको आपको यहाँ पे फिल करना होता है, तकरीबन एक महीने का टाइम मिलता है, एक महीने के अंदर आपके घर तक, आपके एड्रेस तक आ जाता है। अब जब दोस्तों अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे होंगे, जब अपने चैनल को मोनेटाइज किए थे उस टाइम पे आप जो भी वहाँ पर एड्रेस फिल किए थे उसी एड्रेस पे दोस्तों आपका जो पिन है वहाँ पर आता है, ठीक है। 6 डिजिट का पिन रहता है, उस पिन को लेकर दोस्तों आपको यहाँ पर फिल करना होता है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे फिल कर लोगे आपका एड्रेस भी वेरीफाई हो जाता है, आपका आइडेंटिटी वेरीफाई हो गया, एड्रेस वेरीफाई हो गया, गूगल को पता चल गया कि हाँ भैया आप एक वैलिड इंसान हो, ठीक है, सब पता चल गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐड बैंक अकाउंट का। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक अकाउंट है, पंजाब है, जो भी बैंक है दोस्तों, आप उसने बैंक को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है ऐड करने का, आप देख सकते हो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, ये सारा चीज फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्विफ्ट कोड, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये स्विफ्ट कोड क्या होता है। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने बैंक में जाके पता कर लीजिएगा कि स्विफ्ट कोड आपका क्या है। अगर आपका बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं होगा तो आप ही का जो भी बैंक है उसका बड़े ब्रांच में चले जाना, वहां पर स्विफ्ट कोड होगा, उसको लेकर फिल कर दीजिएगा। आप चाहो तो ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्विफ्ट कोड फिल करके आप इसे अपना बैंक यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि पैसे एडसेंस में आएंगे कैसे। दोस्तों आपको बता दें कि मान लो अगर आपने जनवरी के महीने में आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो जनवरी में दोस्तों आपने जितनी भी अर्निंग की है पूरे महीने में, ये सारी अर्निंग दोस्तों आपको ट्रांसफर होता है फरवरी के मंथ में। ये सारी अर्निंग आपके गूगल एडसेंस में ट्रांसफर होगी फरवरी के मंथ में, तकरीबन 10 तारीख से 15 तारीख के अंदर दोस्तों ये ट्रांसफर हो जाती है। आप मान सकते हो 10 तारीख से 15 तारीख के अंदर दोस्तों आपने जो भी जनवरी के अंदर पैसे कमाए हैं, ये सारे पैसे आपके गूगल एडसेंस में शो करेगा कि आपने इतने रुपये की अर्निंग की है, ठीक है। अब आपके एडसेंस में पड़ा रहेगा। जैसे ही दोस्तों आपका जो 20 से 25 तारीख आता है, 20 से 25 तारीख के अंदर दोस्तों ये जो भी पैसे आपके एडसेंस में शो कर रहे थे वहां पे जीरो हो जाएंगे, और ये सारे दोस्तों जो पैसे हैं ये ट्रांसफर हो जाएंगे आपके बैंक खाते में। बट दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे कम से कम $100 होना चाहिए। अगर $100 से कम आपका अगर एडसेंस अकाउंट में पैसे रहते हैं तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उसी के अंदर पड़े रह जाएंगे, ठीक है। फिर अगले महीने की जो भी अर्निंग आएगी वो इसमें जुड़ेगी, जुड़ने के बाद जैसे ये $100 से मतलब ज्यादा होता है तब आपकी अर्निंग जो है ये ट्रांसफर होगी आपके बैंक खाते में, ठीक है, और फिर आप जाकर उस पैसे को निकाल सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप YouTube से पैसे कमा सकते हो, और सारे लोग YouTube से इसी तरीके से पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो यही तरीका था पैसे कमाने का। मतलब मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया कि आपको एक चैनल बनाना है, उस पर वीडियो अपलोड करके YouTube का जो क्राइटेरिया है 4000 घंटे का और 1000 सब्सक्राइबर का, उसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद से चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही अप्लाई कर दोगे आपका YouTube मेल करके बता देगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। अब आपकी वीडियो पे जो भी एड्स आएंगे उसका दोस्तों 55% पैसा आपको मिलेगा, 45% YouTube रख लेगा। जैसे ही दोस्तों आपकी महीना कंप्लीट हो जाता है, जो भी आपकी अर्निंग हुई रहेगी सारा अर्निंग आपके एडसेंस में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही एडसेंस में दोस्तों $7 से लेकर $10 कंप्लीट हो जाएंगे, आपको वहां पे अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिटी वेरीफाई कर लोगे उसके बाद से आपको एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा। एड्रेस वेरीफाई कर लोगे उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, बैंक भी आपने ऐड कर दिया। अब जैसे ही $100 कंप्लीट हो गया एडसेंस के अंदर, पैसा दोस्तों 20 तारीख से 25 तारीख के अंदर आपका जो भी पैसा है एडसेंस दोस्तों आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगा।
एडसेंस में पैसा आता है 10 तारीख से 15 तारीख के अंदर, आप देख लोगे एडसेंस में आपकी कितनी कमाई हुई है पिछले महीने में, और फिर ये पैसे जो है दोस्तों 20 से 25 तारीख के अंदर आपके बैंक खाते में आ जाएंगे, आप उस पैसे को निकालिए। तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको बता दें कि आप कैसे पैसे आप YouTube से कमा सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है सब कुछ बता दिया हूँ। इस वीडियो को दोस्तों कहीं ना कहीं आप शेयर करके रख लो, या फिर आप चाहो तो इसको कहीं WhatsApp पे भेज के रख लो, कहीं भी आप इसको शेयर करके इस वीडियो को रख लो। जब भी दोस्तों आपको YouTube पर प्रॉब्लम आएंगी या फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि YouTube से पैसे कैसे मिलते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, हर एक प्रोसेस दोस्तों अगर आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर समझ सकते हो। तो इस वीडियो को कहीं सेव करके रख लो यार, फ्यूचर में जरूर काम आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को सेव कर लो, इस वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, इतना इन्फॉर्मेटिव चीज बताया हूं तो सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब कर लो। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल ही नहीं बनाया है तो यार क्या कर रहे हो, चैनल बनाओ यार। यहाँ पर देखो आपको वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है, क्लिक करो, तुरंत जाओ चैनल बनाना सीखो, चैनल बनाओ, ठीक है। और इस वीडियो को कहीं ना कहीं शेयर करो, कहीं ना कहीं इसको सेव करके रख लो यार, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप आकर वहाँ पे वीडियो देख लेना, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, यहाँ पे क्लिक करो, जाओ चैनल बनाओ, मिलता है आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।